हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। अग्रवाल सेवा सदन में निशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में श्री बाबा ताराकुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में 18+ 45+ आयु वर्ग के लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। इस मौके पर श्री बाबा ताराकुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा कि लगातार घट रहे कोरोना मामलों के संक्रमण की चेन टूट रही है, लेकिन महामारी को पूरी तरह से खत्म होने तक नागरिक लगातार सतर्क रहें। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि बेवजह सड़कों पर ना निकले, क्योंकि कोरोना महामारी से बचाव में ही समझदारी है। सभी नागरिक वैक्सीन जरूर लगवाएं, साथ ही वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमण से बचाव के सभी उपायों की पालना करें। तो मैं मेरे सिरसा वासियों से, प्रदेश वासियों से, देशवासियों से अपील करता हूं कि ये एक महामहिम चल रही है जो वैक्सीन की डोज अवश्य जरूरी लगाएं, क्योंकि जो अभी दूसरी लहर चल रही है उसके साथ साथ हम तीसरी लहर की भी आवाज़ सुन रहे हैं और बहुत घातक रही है दूसरी लहर, तीसरी उससे ज़्यादा भी रहेगी। तो उससे बचने के लिए जितना ज़्यादा वैक्सीन हो जाएगी, हमारा इलाज ही वैक्सीन है। और मास्क लगा के रखें, 6 फुट की दूरी रखें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब तक ये काम कोरोना काल चल रहा है, अभी ये बीमारी गई नहीं है, लोग इसको सोचते कि ये चली नहीं गई है, ये कभी भी दोबारा प्रकट हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे से लगती है। तो सभी वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है।